यूपी के रामपुर से सपा उम्मीदवार मौलाना मोहिबुल्ला के साथ सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल ने प्रेक्षक से मुलाकात कर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद वोटिंग परसेंटेज कम करने की नीयत से समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के घर छापे मारकर पुलिस तांडव मचा रही है। उन्होंने एडिशनल SP अतुल कुमार श्रीवास्तव, कोतवाली पुलिस इंस्पेक्टर और थानागंज इंस्पेक्टर पर भी पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए प्रेक्षक से पुलिसिया तांडव रुकवाने की मांग की। जी, कल 5 बजे के बाद समाजवादी पार्टी के मुख्तलिफ कार्यकर्ताओं को और कुछ सम्मानित लोगों को पुलिस द्वारा उठाए जाने, उन्हें हिरासत में रखने, उन्हें डराने धमकाने और विशेष एक पार्टी के हक में वोट डालने के लिए दबाव डालने की पुलिस की हमें सूचना मिली थी, जिसके बाबत हमने ऑब्जर्वर साहब को, चुनाव ऑब्जर्वर साहब को अवगत कराया है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इस बात पर वजीर हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए, वरना चुनाव का कोई मकसद नहीं रह जाता है। और चुनाव जरूरी है देश की जमहूरियत डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इसलिए सब लोगों ने एक यूनाइटेड डेलीगेशन बनाया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि अब दोबारा किसी को हरेसमेंट नहीं किया जाएगा और किसी को नाजायज तरीके से दबिश या दबाव नहीं दिया जाएगा, ताकि जितने मतदाता हैं वो अपनी मर्जी से अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें।